नमस्कार दोस्तों, ब्रिटिश सत के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे से एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने हमेशा की तरह ऐसी कहानी लेकर आ गया हूँ जिसे सुनकर आप लोगों का मन बहुत ही ज्यादा आनंदमयी हो जाएगा। आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा ये कहानी सुनकर। दरअसल ये कहानी जुड़ी हुई है भगवान कल्कि के एक ऐसे चमत्कार के साथ जो कि आप लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। भगवान विष्णु का वो 10वां अवतार जो अभी पृथ्वी में अवतरित भी नहीं हुआ है, ये कहानी उनसे जुड़ी हुई है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी होगी। कहाँ चमत्कार देखने को मिला भगवान कल्कि का, डिटेल में पता चलेगा आप लोगों को। अंत तक बने रहिए, बहुत मजा आएगा। तो इस घटना की शुरुआत होती है मनीष नाम के एक लड़के के साथ। मनीष नाम का लड़का एक ऐसे परिवार में जन्मा था जिस परिवार में सभी लोग स्पिरिचुअल प्रवृत्ति के लोग थे, डिवोशनल लोग थे, मतलब भगवानों के प्रति उनका रुझाव बहुत ही ज्यादा था। इनके परिवार में सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण को माना जाता था, सबसे ज्यादा भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की जाती थी, उन्हीं के भक्ति भाव में पूरे परिवार के लोग लीन रहते थे। मनीष भी इसी प्रकार से बड़ा हुआ था। अभी मनीष की उम्र 18 वर्ष की थी और जब से मनीष 18 वर्ष का हुआ था तब से भगवान कृष्ण की अलग अलग कहानियां सुनने का इसे बहुत ज्यादा शौक आ गया था। जहां कहीं भी किसी महाराज जी के प्रवचन होते मनीष जरूर जाता। मनीष का एक कजिन भी था, वो भी इनके घर के पास ही रहता था, वो भी इसके साथ शामिल हो जाता। भगवान की कहानियां जरूर टीवी में देखते और लगभग बहुत सारे भगवान कृष्ण के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर मौजूद है इंडिया में, वो सारे ये विजिट कर चुका था। अब जब इतना ज्यादा ये चीजों में इन्वॉल्व था तो इसे कहानी भी पता थी कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी आ गया ना, भगवान कृष्ण के बाद वाला अवतार भी इस दुनिया में कलयुग में ही आने वाला है। और कमाल की बात तो ये है, जहां पर इनका घर मौजूद है वहीं से कुछ ही दूरी पर स्थित उन्हीं भगवान का, उन्हीं अवतार का एक मंदिर भी है। जी हाँ दोस्तों, ये मंदिर जयपुर में स्थित है। दरअसल मनीष और उसका परिवार जयपुर के आउटस्कर्ट्स में रहता था और ये जो भगवान कल्कि का मंदिर है ये जयपुर के आसपास कहीं मौजूद है। दरअसल ये एक ऐसा मंदिर है जो बहुत पुराने टाइम में एक राजा द्वारा यहाँ पर बना दिया गया था। इस मंदिर में भगवान कल्कि की प्रतिमा देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ भगवान कल्कि की सवारी देवदत्त घोड़े की भी साफ साफ प्रतिमा आप लोगों को देखने को इस मंदिर में मिल सकती है। दोस्तों, ये मंदिर इस दुनिया में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि एक ऐसे देवता को, एक ऐसे भगवान को, एक ऐसे अवतार को समर्पित है जिनका जन्म अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उनकी पूरी भक्ति भाव से पूजा की जाती है। क्योंकि माना जाता है कि जो घोर कलयुग होगा उसको अंत करने वाले भगवान कल्कि ही होंगे और इस दुनिया में आज के समय में सबसे ज्यादा भगवान कल्कि और बजरंग बली ही पूजनीय होंगे, क्योंकि यही दोनों है जो अपने वास्तविक रूप में पूरी तरह से कलयुग में मौजूद रहेंगे दोस्तों, पाप का अंत करने के लिए। दरअसल मनीष को जब ये सारी चीजें पता चली थी तो काफी ज्यादा फैसिनेटेड हो गया था, ये सारी चीजों के प्रति बहुत ही ज्यादा अपना रुझान डाल दिया था। अब उसने एक नियम बना दिया था कि हर मंगलवार को शाम की वक्त वो जरूर इस मंदिर में जाएगा और माथा टेक के अपने घर में लौट जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हर कंडीशन में हर मंगलवार को इस मंदिर में जाता ही था। अपनी बढ़िया स्कूटी उठाता था, सवार होता था। जहां पर इसका घर था वहां से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर है। बीच में एक छोटा सा जंगल वाला एरिया पड़ता और एक छोटा सा मतलब ऐसा नॉर्मल सा एरिया पड़ता जहां पे थोड़े बहुत घर थे और फिर ये मंदिर आ जाता नॉर्मल सी जगह को क्रॉस करके, मतलब ऐसा इसका रास्ता था। 7 से 8 किलोमीटर ये हर मंगलवार को जाता था। अब इसी तरह से काफी दिन बीते और इसके इस भक्तिभाव वाले सफर में कुछ ही समय बाद इसका एक कजिन भी शामिल हो गया, जो बेशक मैंने स्टार्टिंग में बताया इसे घर के पास रहता था। तो दरअसल मनीष और उसे कजिन का ये रूल हो गया कि दोनों अपनी क्लासेस कंप्लीट करते और फिर मंगलवार की रात को 8 बजे के आसपास, 7:30 से 8 बजे के आसपास मंदिर में जरूर विजिट करते। आज का दिन कुछ ऐसा था कि इनके एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुके थे। मैं जो हाफ ईयरली वाले एग्जाम आते ना नवंबर दिसंबर में, उसके आसपास की बात कर रहा हूँ। इनके एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुके थे और लगातार इनकी जो क्लासेस है उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आवर्स में पढ़ाई हो रही थी, थोड़ी सी लॉन्ग पढ़ाई करवा रहे थे। इस वजह से मंगलवार को इनका जाना थोड़ा सा लेट हो जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही होना था। आज ये काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। आज लगभग 9 बज चुके थे क्लासेस में। अब जहाँ पर ये जाते थे, मतलब जिस मंदिर में जाते थे, बीच में जो रास्ता था वो बहुत ज़्यादा सुनसान हो जाता था। तो शुरू से मनीष की मम्मी बोलती थी कि बेटा देख,
मंदिर जाता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारा बेटा इतने अच्छे भक्तिभाव वाला है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ज़्यादा लेट मत किया करना। 9 बजे से पहले पहले तक तू घर आ जाया कर, क्योंकि अगर तू बहुत रात में वहाँ पर जाएगा ना तो अलग अलग वारदातें होती है उस रास्ते में। देखो, इसमें मंदिर का कोई कसूर नहीं है, रास्ते में अब इंसान ही ऐसे मन में खोट लिए घूमते हैं तो कोई मतलब क्या करेगा यार। यही तो है कलयुग, इसी कलयुग का विनाश करने के लिए भगवान आएंगे। तो खैर, मम्मी बोलती है कि ज़्यादा लेट मत किया कर। आज इन्हें ऑलरेडी क्लासेस में 9 बज चुके थे। अब मनीष टेंशन में आ गया यार, क्या करें। लेकिन हाँ, 9:15 बजे छुट्टी होती है तो ये लोग मन में ठान लिए थे कि जल्दी जाएंगे, जल्दी लौट जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे मंदिर में, बैठेंगे नहीं, बस ऐसा माथा टेक के लौट जाएंगे। ये लोग अपनी बाइक में सवार होते हैं, फिर निकल पड़ते हैं, मतलब स्कूटी में सवार होते निकल पड़ते हैं। निकलते आज पता नहीं ऐसी क्या ख़राब सिचुएशन क्रिएट हुई भाई, इनकी ना गाड़ी उस पर्टिकुलर रास्ते में ही बंद पड़ जाती है, जिस रास्ते के बारे में मम्मी इनसे हमेशा कहती थी, जिस रास्ते के बारे में हमेशा लोग कहते थे कि भैया ये रास्ते में चोरी वोरी बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 9:30 बजे का टाइम अब हो चुका था और ये पता नहीं दोनों बहुत टेंशन में आके अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं और स्कूटी स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए कि ऐसा क्यों हो सकता है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह भी कम है और स्कूटी ऐसी बंद कैसे पड़ गई। लगभग 20 मिनट तक कोशिश करने के बावजूद भी ये स्कूटी अभी यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई थी और अभी तक लगभग रात के 10 बज चुके थे, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो चुका था। थोड़ा ज़्यादा इन लोगों ने ऑपरेट किए हुए थे दिन भर से, इस वजह से मोबाइल भी बंद हो गया था, घर वाले फ़ोन भी कर रहे होंगे तो इनको पता नहीं चल पाएगा और घर वाले अलग चिंता में आएंगे। ये लोग एक ऐसी जगह में फंसे हुए थे जहां से आगे 4 किलोमीटर कुछ नहीं, पीछे 4 किलोमीटर कुछ नहीं, एकदम बीचों बीच में फंस गए यार। अब इन लोगों ने दिमाग लगाया, एक काम करते हैं, स्कूटी को ऐसे ही खींचना शुरू करते हैं, थोड़ी आगे जाने के बाद एक दुकान मिलती है जो कि ऐसी गाड़ी वाड़ी को सुधारने की है, शायद वहां पर ये गाड़ी सुधर जाए, कुछ गड़बड़ हुआ होगा, अंदरूनी अपन को समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग अब गाड़ी को घसीटना शुरू कर देते हैं, कभी मनीष हैंडल पकड़ के आगे बढ़ा रहा है तो कभी उसका कजिन। ऐसा करते करते ये लोग अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर आगे की तरफ क्रॉस कर चुके थे कि अचानक से पीछे से 2 लोग इनके नज़दीक आते हैं। ये घबरा जाते हैं कि ये दोनों लोग कौन है यार, क्यों हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने हमेशा से ये बात सुने हुए थे कि अकेला देख कर यहाँ पर पक्का छुपे हुए लोग सामने आते हैं और फिर उनको लूट कर चले जाते हैं। ये दोनों लोगों का चेहरा एक स्कार्फ से बंधा हुआ था, ये और भी ज़्यादा डरा देने वाला था। ये इतना भी ज़्यादा घनघोर ठंड वाला टाइम नहीं था, नॉर्मल सी ठंड वाला टाइम था, लेकिन इन लोगों ने ऐसा मुंह बांध के रखे थे तो इनके हुलियों को देखकर मनीष और उसका कज़न दोनों डरने लगे। वो दोनों आदमी इनके पास आए और अब वो इनके सामने एक चाकू निकाल लिए, लिटरली फिल्मी जैसा सीन, और बोले निकालो मोबाइल, तुम्हारे जेब में जो कुछ भी है, चेन पहने हो, घड़ी पहने हो, सब कुछ निकालो, वरना देख रहे हो ना यहीं पे डाल देंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा, हमको आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है। मनीष और उसका कजिन बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं और लगातार मनीष मन में भगवान कृष्ण का नाम जपने लगता है और यही कहने लगता है हाथ वाथ जोड़ के कि मतलब क्या किए थे भगवान हमने, हम आपके दर्शन के लिए तो आ रहे थे, हमारा एक नियम था। अब ये अपने मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहे थे, खाली हाथ जोड़ के डर रहे थे, घबरा रहे थे, पसीना पसीना हो रहे थे। तो दोनों लड़के जो आए थे ना यहाँ पर मुंह बांध के, वो भड़क गए और इनको मारना शुरू कर दिए, बहुत गंदा मारे यार बेचारे दोनों बच्चों को, दोनों 18-19 साल के बच्चे थे, बहुत गंदी तरीके से मारे, ये दोनों बहुत हट्टे कट्टे लंबे चौड़े ज़्यादा उम्र के लोग थे। अब इन लोगों का थोड़ा खून वून आने लगा, मनीष की आंखों के सामने एकदम ब्लर जैसा होने लगा, इसको लगा कि बस मैं जाने ही वाला हूँ, मतलब मेरी कॉन्शियसनेस जाने ही वाली है, ये लोग जेब से निकालेंगे हमारे मोबाइल वोबाइल, चेन वेन भी सोने की पहने हुए हैं इन लोगों ने, एक एक अंगूठी भी सोने की पहने हुए थे मनीष और उसके कज़िन ने, सब कुछ चला जाएगा, हो सकता है स्कूटी भी लेके इन लोग भागे, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें इसके दिमाग में आ रही है। इसको ये भी अब डर है कि ये लोग चाकू से भी मार सकते हैं हमको। उतने में ही पीछे से एक लिटरली घोड़ा दौड़ते हुए आया, वाइट कलर का घोड़ा, मतलब कहाँ से आया, किसका घोड़ा है पता नहीं। नॉर्मली आप लोगों को ऊँट देखने को मिल सकते हैं, नीलगाय देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा घोड़ा खुला हुआ देखने को इतनी आसानी से नहीं मिलता है जयपुर या राजस्थान के इलाकों में, नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये घोड़ा वाइट कलर का तेज़ी से दौड़ते इनके तरफ आया और लिटरली वो जो दोनों आदमी थे ना
उनको बहुत गंदा अपने पैर से मारा है। अब देखो घोड़े की पैर की जो वो होती है पार, कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, और अगर वो घोड़ा किसी को इंटेंशनली मारे तो कितना बुरा लगेगा उनको, आप सोचो कितनी जोर से लगेगा। मारा है बहुत गंदा और फिर से बढ़ाई है उनको वापस से मारने के लिए कि इन लोग अपने आप को संभालते हुए दूसरी तरफ भागे हैं, जंगल झाड़ियों की तरफ। वो घोड़ा भी लिटरली उनके पीछे 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 गया। अब ये लोग उठे हैं, भगवान को थैंक यू बोले कि पता नहीं ये घोड़ा कहाँ से आया, अपने आप को जड़ा रहे हैं, स्कूटी उटी उठा रहे हैं। कितने में पीछे से एक और आदमी दौड़ता 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 आया। इस आदमी की उम्र यही 30-35 साल के आसपास की रही होगी। दौड़ता दौड़ता आया और इन लड़कों के पास रुका। ये लोग फिर से डर गए कि अरे यार ये भी वैसे हट्टा कट्टा आदमी दिख रहा है, उसी गैंग का तो नहीं है, पता नहीं क्यों ना यार क्यों हमारी तरफ दौड़ते दौड़ते आया, ये लोग क्या हमें मार के ही सांस लेंगे क्या आज। आदमी आया इनके पास रुका, बोलता है कि आप लोगों ने मेरा घोड़ा देखे, मेरा जो सफ़ेद रंग का घोड़ा था वो मुझसे छूट गया था, भागते भागते इसी तरफ आया था, आपने देखे हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, बहुत ज़्यादा महंगा है। ये लोग बोलते कि हाँ हाँ भैया हमने तो देखे हैं, वो इस तरफ गया है दो आदमियों के पीछे, वो घोड़ा शायद उनको बहुत मारेगा, आप देखिए मर वर भी सकते हैं, आप जाइए ले लीजिए अपने घोड़े को संभालिए। तो इन लोग मतलब एक तरीके से खुश होके ये बात बोले थे। अब वो आदमी भी उसी रूट में बढ़ गया, ये लोग भी इधर उठे अपनी स्कूटी वापस से उठाकर। अब देखो पीछे जाते तो बहुत लंबा हो जाता, अब सोचे कि वहीं पे पहुंचते हैं दुकान में, ये खुली होगी, वहाँ पे थोड़ा मोबाइल चार्ज करेंगे, किसी को फ़ोन करके बताएंगे, मदद मांगेंगे, घर से बुलाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, इतनी ज़्यादा अब घबराने की बात नहीं है। फिर से उठ के ये लोग आगे बढ़े ही हैं, अब लगभग और 500 मीटर आगे बढ़े ही होंगे कि पीछे से वो आदमी आवाज़ लगाता है वापस से। देखते हैं कि अब वो आदमी अपने घोड़े को पा चुका है और इनको आवाज़ लगा के इनकी तरफ बढ़ रहा है। अब बोलता है कि थैंक यू बच्चो, आप लोग की वजह से मुझे मेरा घोड़ा मिल गया, अगर आप लोग नहीं बताते तो पता नहीं कहाँ भाग गया होता। ये लोग कहते हैं कि अरे हमें थैंक यू कहना चाहिए आपके घोड़े को, आपको, कि इनकी वजह से हमारी जान बच गई। ये घोड़ा जिन दो लोगों के पीछे भागा था वो चोर थे, लुटेरे थे, हमको देखो कितनी बुरी तरीके से मारे हैं, हमारा सारा सामान छीनने वाले थे, हमको शायद चाकू से भी मार देते। अगर ये ऐसा भाग के नहीं आया होता, अगर ये आपके हाथ से ऐसे छूटा नहीं होता तो हम आज अपने पैरों पर खड़े नहीं रहते। वो आदमी सिर्फ एक मुस्कुराहट देता है और कहता है कि वैसे आप अपनी बाइक को ऐसे घसीट क्यों रहे हैं, चालू करने की कोशिश तो कीजिए। मनीष बोलता है कि बहुत देर से कर रहे थे, हो ही नहीं रही थी। वो आदमी फिर से कहता है कि अरे फिर से कीजिए, चालू कीजिए, होगी, ट्राई तो कीजिए, क्योंकि बहुत देर आपने बंद छोड़ दिए थे ना। अब जैसे एक बार किक मारता है स्कूटी स्टार्ट हो जाती है, स्कूटी स्टार्ट होती है, लोग थैंक यू वैंक यू बोलते हैं और जल्दी से हड़बड़ाहट में आगे निकलते हैं। सामने मैकेनिक की दुकान आती है, उसको दिखाते हैं, मैकेनिक बोलता है सब ठीक वीक है। अभी लोग बोलते हैं कि देखो यार इतना कुछ हुआ है, आज मंदिर ज़रूर जाएंगे, अब लौटेंगे नहीं, थोड़ा सा ही तो बचा था, अब 1.5 किलोमीटर आगे, मुश्किल से ज़्यादा भी नहीं। ये लोग पहुँचते हैं मंदिर, प्रणाम प्रणाम करते हैं, थैंक गॉड करते हैं और उसके बाद अपने घर लौटते हैं। घर में सब लोग इनको देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंता होती है, इनको दवाई ववाई कराई जाती है और आज सोने में थोड़ा लेट हो जाता है। अप्रोक्स 12:15 बजे के आसपास मनीष अपने बेड में आता है और उसकी नींद इंस्टेंटली लग जाती है कि आज के दिन बहुत कुछ हो गया था। नींद जैसे ही लगी उसे एक सपना दिखाई दिया, सपने में सारी चीज़ें वही दिखाई दी जो एक्चुअल में हुई थी, लेकिन जो घोड़ा अब दिखाई दिया, जो रियल में हुआ था, जो सपने में दिखाई दे रहा है, वो जो घोड़ा अब दिखाई दिया है वो दिव्य दिखाई दे रहा है। मतलब जितना वाइट वो रियल में दिखाई दिया था उससे कई गुना ज़्यादा वाइट अब वो सपने में दिखाई दे रहा है। उसने उसी तरीके से वो दो लोगों को मारा है, हाँ, और वो दो लोग भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रहे थे, वो राक्षस के रूप में दिखाई दे रहे थे, और पीछे से जो आदमी आया, रियल लाइफ में जो आदमी आया था ना, वो सपने में आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, वो सपने में वो भगवान कृष्ण जैसे स्वरूप का कोई दिखाई दे रहा है, गोरा रंग है, सांवला रंग नहीं, भगवान श्री कृष्ण का सांवला रंग था, गोरे रंग का दिखाई दे रहा है, सफ़ेद रंग की धोती, सफ़ेद रंग का गमछा और सफ़ेद मोतियों की माला पहना हुआ है और हाथ में तलवार है। दौड़ते हुए आया, इनको देख के मुस्कुरा, वो सारी चीज़ें रिपीट हुई जो रियल में हुई थी, दरअसल ये कोई और नहीं भगवान कल्कि थे। नींद खुलते से ही इसे सब कुछ समझ में आ गया कि आज भगवान कल्कि और उनके देवदत्त घोड़े ने आकर हमारी लिटरली जान बचाई है। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। इतनी भरी रात में अपने मम्मी पापा के पास गया, उनको सारी बात बताया, सभी लोग भाव विभोर हो गए
और उस दिन के बाद से इनके परिवार की आस्था भगवान के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गई। इस परिवार के हर एक इंसान ने ठान लिया कि हम अपनी आने वाली ज़िंदगी पूरी तरीके से भगवान के लिए समर्पित कर देंगे। आज अब ये केवल मनीष और उसका कज़िन मंदिर नहीं जाते, बल्कि सभी लोग जाते हैं हर मंगलवार को। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज के भगवान कल्कि की ये चमत्कार की कहानी आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। एक और बात बताता हूँ इस मंदिर के चमत्कार के बारे में। यहाँ पर जो देवदत्त घोड़ा है उसकी जो मूर्ति बनी हुई है ना, उसके एक पैर में क्रैक है। लोग बोलते हैं कि ये क्रैक नॉर्मल क्रैक नहीं, बल्कि ये घाव है और ये समय के साथ भरते जा रहा है। जब ये क्रैक पूरी तरीके से भर जाएगी, तब माना जाता है कि भगवान कल्कि का जन्म हो चुका होगा संभाला में। वो यहाँ पर आएंगे और इस मूर्ति को केवल एक बार स्पर्श करेंगे और वो देवदत्त घोड़ा जो मूर्ति के रूप में है वो अपने रियल भौतिक रूप में आ जाएगा और वो असली का घोड़ा बन जाएगा। भगवान कल्कि अपने उस घोड़े की सवारी करेंगे और इस पूरे दुनिया से पाप का अंत करके रख देंगे दोस्तों, एक नए युग की स्थापना हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ये पूरी की पूरी कहानी की जानकारी मनीष ने ही इंस्टाग्राम पर लिख भेजा। दोस्तों अब तक देख लिए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाके ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। जो इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोगों के सामने डेली के आते रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। आप लोगों के पास भी इसी तरह की कोई भी कहानी जानकारी या टॉपिक होगी तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।